अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में भलीकार माया गज़ाल आबड़ो सब खां पेरियां है नज़र हेडलाइंस ते। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के बाज़ाब्ता तौर सिंध हुकूमत में शमूलियत की आछ करे छी। सूबाई वजीर नासिर शाह सईद गनी बादराबाद पहुंची एमक्यूएम की क़यादत से मुलाकात कई। जरियन मौज पीपी की आछ से एमक्यूएम अगवान जल्द अगुणे सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो से मुलाकात कंदा। मुतहदा अगवान कुंवर नवीद जमील है तो पीपी वफद के मकानी निज़ाम बाबत तजवीजू दई छन चाहूँ था पीपी एमक्यूएम विच में थियल ठा से अमल कर वे। नासिर शाह जो चवण है तो मुतहदा सूबे जो गालू तदें कंदी है जैसे समझे थी तो साण नाइंसाफी थे पई। सिंध हुकूमत में शामिल थियण बाबत फैसलो एमक्यूएम की राबता कमेटी कंदी। बेतमादी रिथ का एक ढी अग बिना देर इलेक्शन से राजी थियण या मार्शल लॉ की धमकी दिनी वही। परे वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी जो इंकशाफ कौमी असेंबली में खिताब दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी चे तो पीपी की वाजे पॉलिसी आ है तो चूंड सुधारन का पोई चूंडू थींदियूं साफ ए शफाफ चूंडू चाहूँ था। इमरान खान वींदे वींदे जमहूरियत इदारन के नुकसान पहुंचाया। गैर आइनी गैर जमहूरी कमन में मुलविस मानून की निशानदही लाए कमीशन जोड़ो वे। भारत गैर कानूनी तौर से वालारियल कश्मीर की हैसियत के तब्दील किया। वालारियल कश्मीर में भारत जो जुल्म जारी है। परदेही वजीर बणजण बाद पहिरियों कम वालारियल कश्मीर बाबत कम करण है। भारत 5 अगस्त से वालारियल कश्मीर में गैर कानूनी आबादकारी शुरू कई। बीजेपी हुकूमत बार बार आलमी कानून की भंज कड़ी कई। भारत के पान मुरादो कमीशन के रद्द क्यों था। भारत गैर कानूनी तौर से कश्मीर की हैसियत के तब्दील कयो। पीटीआई हुकूमत मुल्क के कर्जन की धुबण में फिटो कर छो। असो मुतालबो हो तो इदारा कें सियासी जमात की धुर न बणजन। इदारन तस्लीम किया तो हाँ ही निज़ाम न हलो यह सुठी गाल है। गुजियल हुकूमत की गलत पॉलिसिन सबब सऊदी अरब बे हथ कढ़ी वो। चीन के पाकिस्तान में 170 अरब डॉलर की सीड़पकारी करनी हुई। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान जो कराची प्रेस क्लब में तकरीब के खिताब। मौजूदा हुकूमत के इमरान खान के गुनाहन की जिम्मेवारी पान मथा न खण घुर्जे। इलेक्शन ही मुल्की मसलन जो हल है। मुझे खिलाफ केस 10 महीना थी व्या पर अज ताई के सबूत पेश न थी सकया केस के ड्रेग दिनी पे वे। अगूणी हुकूमत में नेब तरफा चयो पे वयो तो केस की रोजाने की बुनियाद से बुधनी थियण घुर्जे। हाँ नेब वट को जवाब ना है कदें उन कोरोना थी वे तो कदें को बो मसलो। असल में उन्हें वट सबूत ना जुझे खिलाफ़ सबूत आन तो मुख्य सजा दियो। मुझे खिलाफ़ सबूत ना तो अदलिया नेब की नजियाती जो नोटिस वे नेब के कटहरे में आंदो वे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज हुई इस्लामाबाद में मीडिया से गाल। आबी वसीलन बाबत वफाकी वजीर खुर्शीद शाह पानी खोट के एक भेरों बीहर कुदरती करार दई छो। ही आफत है जैमां जिंद आजी करण लाए दुआ करण घुर्जे। मुस्तकबिल पानी से गंढियल है। 1951 एतरे पानी की खोट पैदा थी है। 16 जून तई पानी की सूरतयाल बेहतर थी। समूरन सूबन के पांच हिस्से जो पानी दिनों वो अज स्कर्दू में गर्मी पद 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे यो बरकरार रो तो सूरतयाल जल्द बेहतर थी वी। सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह से तवानाई वाले वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की मुलाकात। वे वजीर सिंध में थींदड़ बदतरीन लोड शेडिंग जो मसलो उथारियो। वे वजीर जो चवण है तो सिंध के बहराड़ी में 12 खां 14 कलाक लोड शेडिंग थी रही है। लोड शेडिंग सबब जरई पैदावार के नुकसान पहुंची सके तो। खुर्रम दस्तगीर वे वजीर के हिस्को सिरको के लोड शेडिंग घटाने जो हिदायतू जारी करने की खातरी कराईदे चयो तो बे मरहले में लोड शेडिंग के खात्मे जहा कदम खया वा। सिंध हुकूमत पारा घुरायल 49 बसू चीन का कराची बंदरगाह पहुंची व्यू। ट्रांसपोर्ट ए इतलात वे वजीर शर्जील इनाम मेमण ए सईद गनी ऑरेंज लाइन बसों जो दौरों कयो। शर्जील मेमण जो चवण है तो 49 बसू पीपल्स इंट्रासिटी बस प्रोजेक्ट में
वीह ईदी ऑरेंज लाइन मनसूबे तहत हलाई वेंदियूं। सिंध हुकूमत कराची ऐं लाड़काणे लाइ 250 बसूं घुराए रही आहे। बस मनसूबे लाइ कराची में 5 टर्मिनल क़ाइमु कया पिया वञनि। FIA वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं ॿियनि ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस जो ट्रायल न करण जो फ़ैसिलो करे वरितो। लाहौर जी अदालत जो चवणु आहे त केस में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं पंजाब जे वॾे वज़ीर हमज़ा शहबाज़ ते 14 मई ते फ़र्द जुर्म लागू थींदो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो पुलिस के मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े जूं FIRs दाख़िल न करण जो हुकुम। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मस्जिद नबवी वाक़े बाबति फवाद चौधरी, कासिम सूरी ऐं शहबाज़ गिल जी दरख़्वास्तुनि ते ॿुधणी कई। मज़हबी इल्ज़ाम मढ़णु तमामु वॾी बदक़िस्मती आहे। मुआशिरे में इस्तेहकाम रुगो सियासी माण्हू ई आणे सघनि था। मौजूदा हुकूमत खां सवाइ कंहिं बि हुकूमत में ईअं नाहे थियो। रियासत खे ॾिसणु घुरिजे त मज़हब खे ग़लति इस्तेमालु न कयो वञे। श्रीलंकन मैनेजर ऐं मिशाल ख़ान केस अवां जे साम्हूं आहिनि। वफ़ाक़ी हुकूमत खे उहे शयूं पाण ॾिसणु घुरिजनि। चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह जा ॿुधणी दौरान रिमार्क्स। ऐं हुकूमत डॉलर जी क़ीमत में ज़ाब्तो आणण में नाकाम। मुल्की तारीख़ में डॉलर बुलंद तरीन सतह ते पहुची वियो। इंटरबैंक ऐं ओपन मार्केट में डॉलर जी क़ीमत में वाधि। इंटरबैंक में डॉलर 87 पैसा महांगो थियण बाद 190 रुपया 98 पैसनि जो थी वियो। ओपन मार्केट में डॉलर जी क़ीमत 192 रुपया 50 पैसनि जी थी वई।